गाइस, तो ये दोपहर की चाय बन रही है, इवनिंग का ब्लॉग है, तैयारी चल रही है न्यू अपार्टमेंट में जाने की। और यहाँ पर आई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उसे बताया नए घर में जा रहे हैं, तो ही इज़ सो हैप्पी। हाय गाइस, तो अभी मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं सारा सामान रखने के लिए। सारा नहीं, हम लोग खुद से भी थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ बॉक्सेस के हिसाब से, काउंट के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। तो जितना हमारी कार में आ जा रहा है और हमारे पास टाइम है, तो हम इवनिंग टाइम में मूव कर रहे हैं। और घर का अभी यहाँ यूज़ हुआ था तो पूरा क्लीन अप कर लिया है और कर्टन्स वगैरह लगा कर रखे हैं ताकि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है इस टाइम पे, तो घर बहुत गर्म होता है, फिर एसी बहुत चलता है, तो इसलिए इसको ये रूम ठंडा रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड रेडी होंगे, फिर हम लोग निकलते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अपन कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ट्री हाउस जा रहे हैं, न्यू हाउस इज ट्री हाउस। तो हेलो बोलो सबको, कैसे हो सब बताना, अच्छे हैं सब? और आर यू, हाउ आर यू? थैंक यू, बाय। हाँ तो गाइस, वेदर ना बहुत प्यारा हो रहा था, धूप भी थी और हल्का क्लाउडी भी था, तो ना ज़्यादा ठंडा था ना गर्म था, बट बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा था। तो देखिए, आप क्लाउड्स देख सकते हैं, बहुत नीचे नीचे दिखते हैं यहाँ पर, और बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि जो लोग दूर हैं वो भी देख पाएँ कि टेक्सास का वेदर कैसा होता है। तो गाइज़, ये जो दिख रहा है ये ना गोल्फ़ कोर्स है, यहाँ पर ये हमारे घर के एरिया के पास ही है, न्यू हाउस के पास ही का है ये। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं न्यू हाउस में। और जितना लुक दिख रहा है आप देख लीजिए, तो फिर मैं आकर अच्छे से आप लोगों को टूर दूंगी। और आयु की यहाँ पर मस्ती चल रही है, और जितना भी सामान लाए हैं तो एक रूम में अभी रख दे रहे हैं, ये वाले रूम में रख दे रहे हैं, क्योंकि ये शायद बेडरूम ये रहेगा, तो इस ये बेडरूम रहेगा, तो यहाँ पर नहीं रख रहे, यहाँ पर सीधा बेड आकर रखाएगा जिस भी दिन आएगा। तो इधर कुछ भी सामान नहीं रख रहे, दूसरे रूम में सारा सामान रख रहे हैं। तो अभी जस्ट आए हैं हम लोग, तो थोड़ा देख लूँ मैं, और थोड़ा सा आपके 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 साथ भी थोड़ी सी क्लिपिंग शेयर कर दूँगी, इस छोटा सा एक टूर शेयर कर दूँगी, एम्प्टी हाउस टूर इसी वीडियो में। तो गाइस, इस हाउस की सबसे खासियत है कि इसकी बैल्कनी बहुत ब्रॉड है, अच्छी है, स्पेशियस है। और यहाँ से आयु के पापा कार से सामान निकाल रहे थे, तो ये यहाँ से एंजॉय कर रहा है कॉलोनी का। ये सामने से पूरा दिखता है कार पार्किंग वगैरह बैल्कनी से, विंडो से। वो जो दिख रहा है, मैं दिखा रही हूँ वो फिंगर से, वो आयु का स्कूल है, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से।
और यहाँ से साइड से जगह है वहाँ जाने की, तो वहाँ से जा सकते हैं, पूरा लंबा घूम कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल साइड में ही है, और सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं। और ये में जो हमारा बेडरूम है उसकी मास्टर बेडरूम का रूम है, और ये जो है यहाँ पर ये स्टोरेज एरिया है, बहुत बड़ा सा, सूटकेस वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टोरेज एरिया यहाँ पर मोस्टली हाउसेज में दिया जाता है US में, स्टोर रूम टाइप का छोटा सा जो कि बैल्कनी में, और उसका भी लॉक सिस्टम है। तो यहाँ से अच्छा आयु का व्यू दिख रहा है, वो बहुत एंजॉय कर रहा था यहाँ पर खड़े होकर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फ्लोरिंग है जो कि ग्रेइश है और ब्राउनिश दोनों मिलकर है। ये छोटी सी विंडो है जो कि डाइनिंग एरिया के यहाँ पर आएगी। और हॉल ना बहुत स्पेशियस है एक्चुअली, जिस टाइप से बना है ना उस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस हॉल है। वुडन फ्लोरिंग है, तो प्लस पॉइंट ये है कि वुडन फ्लोरिंग है, तो यहाँ से झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेन वो था कि दिक्कत आ रही थी कि कारपेट पे डस्ट भी बहुत जमती है, फ़ैन वगैरह है, और ये विंडो बहुत बड़ी सी जो हॉल में है, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था, बट वो 3D टूर था, ऐसा रियल वाला नहीं था, तो मैंने सोचा इस तरीके से दिखाऊं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे सा व्यू दिखे। दिस इज़ अवर किचन, और किचन भी अच्छा स्पेशियस है, कैबिनेट्स वगैरह बहुत अच्छे से लगे हुए थे। और ये साइड में जो है ये यहाँ पर वॉशर ड्रायर वाला छोटा सा स्टोरेज टाइप का दिया है, और शेल्फ वगैरह बने, यहाँ पर वॉशर और ड्रायर लगेगा, और इस तरीके से बहुत स्पेशियस है। और चलिए, और ये बालकनी आयु को दिखा रही हूँ, आयु बार बार बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था यहाँ पर। दिस इज़ द आई थिंक हाँ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, इसमें अटैच लेट बाथ है। एंड ये मैं चेक कर रही थी यहाँ पर कि कुछ डैमेज तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बोला था जो भी आपको दिखे तो आप हमें कॉल कर दें, तो हम वो चीज़ ठीक करवा देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ नीट एंड क्लीन, कुछ भी डैमेज नहीं था, बहुत प्यारा था, सब उन लोगों ने नीट एंड क्लीन कर कर ही दिया है। तो बस यही मैं चेक कर रही थी और सोचा कि आप लोगों को भी साथ में दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी देख लें एम्प्टी टूर, फिर बाद में जब भी जमाऊँगी घर तब दिखाऊँगी। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, जो कि ये भी बहुत स्पेशियस, और यहाँ से भी ना कार पार्किंग का पूरा दिखता रहता है, तो कौन आ रहा कौन जा रहा सब देखेगा, यहाँ से विजिबल रहेगा। एंड दिस इज़ अ सेकेंड बेडरूम, जो कि गेस्ट बेडरूम कह लो या मेरे हस्बैंड का ऑफिस रूम कह लो, आयु का प्ले रूम कह लो, सब वही है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी सामान लाए हैं कुछ कुछ, तो उसको लाकर यहाँ पर जमा दिए हैं, ताकि और अभी जो भी बॉक्सेस वगैरह आएंगे शिफ्टिंग के टाइम वो भी यहीं पर रखाएंगे, और फिर मैं यहाँ से रूम से खोल खोल कर एक एक सामान ले जाकर कमरों में बाकी जगह किचन वगैरह में जमाएंगे। बाकी जो बड़े बड़े सामान है सोफ़ा वगैरह वो सब तो जहाँ रखना है वहीं पर रखाएंगे, और बेड वगैरह वहीं रखाएगा, TV का स्टैंड जहाँ रखना है, दिस इज़ द क्लोज़ेट, तो वो सब वहीं पर रखाएगा। बट जो बॉक्सेस रहेंगे उनको मैं इस रूम में रखवाऊंगी, ताकि पूरे घर में फैले ना, और बच्चा है साथ में फिर वो और फैला देता है, इसलिए एक रूम में पैक कर देंगे, एक एक कर ओपन कर उसको फिर पूरे घर को धीरे धीरे जमाएंगे, क्योंकि एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड बाथरूम, जो कि गेस्ट रूम से अटैच्ड है, और यहाँ पर जो ये कैबिनेट्स वगैरह है, और इसी का डोर है जो एक हॉल में खुलता है। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये छोटा सा टूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी थोड़ी देर से मेरे हस्बैंड पूरा सामान जब रख लेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पूरा थोड़ी सी छोटी सी पूजा कर लेंगे हम लोग, और कलश स्थापित कर देंगे, ताकि करना पड़ता है ऐसा, तो कर लेंगे। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो मैंने सबसे पहले सोचा गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना क्लीन कर दूँ, वाइप से सैनिटाइज कर दूँ, ताकि हम लोग आए टच वगैरह करें तो इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, क्योंकि वो लोग क्लीन कर गए थे, तो उन्हें कहाँ कहाँ छुआ होगा हमें नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीन अप कर दूँ ताकि दिक्कत ना आए। और आयु भी यहाँ पर किचन में बार बार आकर चीज़ें टच कर रहा था, तो आइलैंड प्लेटफॉर्म वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिया था, और आते से ना डोर नॉब्स वगैरह सब क्लीन सैनिटाइज कर दिया था मैंने, बस फ्रिज के जो डोर था ये सब चीज़ें मैं कर रही थी, क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर चेक कर रही थी साथ ही साथ कुछ डैमेज तो नहीं है, क्योंकि बाद में अगर अपन शुरू में नहीं बताओ तो जब घर छोड़ो ना तो वो लोग फिर पूछते हैं कि ये कैसे डैमेज हुआ, तो उन लोग को बताना पड़ता है कि हर एक फ़ोटो खींच कर रखनी पड़ती है कि ये पहले से था, तो वो सारी चीज़ें एज अ प्रूफ रखनी पड़ती है।
तो इसलिए मैं सारा क्लीन कर कर फिर बाद में हम लोगों ने छोटा सा कलश स्थापित कर दिया, छोटा सा ही कलश था और दीपक वगैरह नहीं जलाया क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं तो फायर अलार्म बच जाता, इसलिए नहीं जलाया। हाय गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग आए हैं घर और अभी बज रहा है रात के 9 बज रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद हम लोग ना नीचे वॉक करने गए चले गए थे, तो 1.5 घंटे हम 6:30 बजे करीब आ गए थे, तो 6:30 से 8:30 तक हम लोगों ने वॉक करा। उसके बाद हम लोग घर आए हैं, घर के पास में जो स्कूल है वहाँ ले जाते हैं आयु को वॉक कराने के लिए, तो वहाँ से आए हैं। तो घर आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा छोटा सा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक दे दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इंडिया में सीरियसली बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, पहले ये था कि जितने भी निकलते थे फर्स्ट वेव में बट अपनी पहचान का कोई भी नहीं निकलता था, बट अभी डेली अगर सोशल मीडिया साइट पे देखो तो किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। सैड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ बहुत मिल रही है, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। मैं इस सब चीज़ों के बारे में अपने चैनल पे बात नहीं करना चाहती ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं थोड़े बहुत ही है वो देखें तो उनको खुशी हो और कोई को दुख ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें रिपीट करना। बट यही कहूँगी घर पर रहें, पॉजिटिव रहें। US में जैसे केसेस कम हो गए इंडिया में भी कम हो जाएंगे, बस वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, आप जाएं जरूर वैक्सीन लगवाएं, उससे कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, गुड नाइट।